उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित मंडलीय खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी पंचायत भवन परिसर कंपनी बाग मुरादाबाद में 10 जनवरी को पांचवें दिन भी जारी रही। इस प्रदर्शनी का समापन 12 जनवरी शनिवार को 4:30 बजे होगा। विदित हो इस प्रदर्शनी का शुभारंभ उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री गोपाल अंजान द्वारा 6 जनवरी की शाम को 6 बजे किया गया था। जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि ये प्रदर्शनी दिन में 11 बजे से रात को 8 बजे तक जन सामान्य के लिए लगातार खुली रहती है। इस प्रदर्शनी में खादी के कुर्ते, बंडियां, लिहाफ चादरें, लेडीज शॉलें, अमरोहा के आकर्षक लकड़ी के आइटम्स, फर्नीचर, खुर्जा की पोटरी, ग्राम उद्योग संस्थाओं के तैयार अचार तथा अन्य अनेक आइटम्स प्रदर्शन तथा बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। जिला खादी एवं ग्राम उद्योग अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि खादी उत्पादों पर 15% तक की छूट अनुमान्य है, जबकि खादी प्रदर्शनी में आए हुए दुकानदारों द्वारा अपने स्तर से भी छूट दी जा रही है। इस तरह कुल मिलाकर कुछ आइटम्स पर 35% तक की छूट मिल रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि छूट सिर्फ खादी उत्पादों पर ही दी जा रही है, ग्राम उद्योग में तैयार उत्पादों पर छूट का प्रावधान नहीं है। उन्होंने खादी प्रेमियों तथा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के समर्थकों से ये अपील भी की है कि अधिक संख्या में इस प्रदर्शनी में आकर खादी तथा ग्राम उद्योग उत्पादों की खरीदारी करके खादी तथा ग्राम उद्योगों में तैयार उत्पादों को बढ़ावा देकर दुकानदारों का उत्साह वर्धन करें। जिला खादी एवं ग्राम उद्योग अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया। सर, ये प्रदर्शनी 12 जनवरी तक चलेगी और इसका सामान्य जो समय है वो सुबह या दोपहर में 11 बजे से शाम को 8 बजे तक का हमने इसमें रखा है कार्यक्रम, और जनता अगर रहती है तो ये 9 बजे तक भी हो जाता है। जैसे कि आज आप भी देख रहे हैं कि आज जो है कार्यक्रम था, मुशायरे का कार्यक्रम था, तो आज ये जो है काफ़ी देर तक चला है। 9 के बाद तक भी जो है दुकानें खुली रही थी, लेकिन सामान्य समय जो है वो हमने 8 बजे का, सर्दी को देखते हुए 8 बजे का ही, 11 बजे से 8 बजे तक। अच्छा, इसमें क्या क्या आइटम्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं? सर, इसमें हमारे जो मंडल में खादी की और ग्रामोद्योग की जो इकाइयां हैं उनके उत्पादों को इसमें रखा गया है। सबसे ज़्यादा जो सामान है वो खादी का है, और फिर अलग अलग तरह की इकाइयां यहां पर हैं। कुछ रेडीमेड गारमेंट्स की हैं, तो एक इकाई दलिया की भी है, सहारनपुर का फर्नीचर है, तो खुर्जा की पोटरी का भी है। तो इस तरह से विविध प्रकार की यहाँ पर इकाइयाँ हैं। हमारा प्रयास रहा है कि ग्रामोद्योग भी आम जनता को दिखाई दे। क्या कोई छूट की भी सुविधा है यहाँ पर, और अगर हाँ तो कितने प्रतिशत? सर, छूट जो है वो ग्रामोद्योगी उत्पादों पे नहीं होती है। खादी के उत्पादों पर दो तरह की छूट है। एक तो जो हमारी इकाइयाँ हैं, खादी की जो इकाइयाँ हैं, उनको सरकार ने उनके उत्पादन पर 15% की छूट रखी है, तो वो 15% की छूट जनता तक पहुंच रही है। साथ ही साथ बिक्री के अनुसार भी 5% की छूट का इसमें प्रावधान है, और कुछ जो हमारी ये इकाइयां हैं ये अपने पास से भी दे रही हैं, तो मतलब 35% तक की भी छूट इसमें कुछ इकाइयों द्वारा दी जा रही है। एक अंतिम प्रश्न ये कि जो लोग खादी पहनना पसंद करते हैं, ग्राम उद्योग उत्पादों को इस्तेमाल करना उनकी प्राथमिकता में होता है, ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे प्रदर्शनी में आने के लिए? सर, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो यहाँ पे आएं, उन्हें बहुत ही उच्च कोटि की, अच्छी इकाइयों की और उच्च कोटि की खादी यहाँ पर उपलब्ध है, वो आएँ और इसमें लाभ उठाएँ। खादी जो है वो चूँकि हाथ का कता धागा है, हाथ का बुना हुआ वस्त्र है, और उसमें शुद्धता जो है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, और वो चीज़ें, वो शुद्धता यहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आएं और प्रदर्शनी में खादी के उत्पादों का खरीदारी करें।